जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान तिवारीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले इमरान के रूप में हुई है। पुलिस ने शातिर चोर के पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल व गाड़ियों के पार्ट्स को भी बरामद किया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, बाइक चोरी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद इमरान है और ये वर्तमान समय में तिवारीपुर में निवास कर रहा है। इसके पास से एक बाइक जो कि हमारे यहाँ जटेपुर चौकी से चोरी हुई थी वो बरामद हुई है, साथ ही साथ कुछ गाड़ियों के पार्ट्स वो बरामद हुए हैं। ये व्यक्ति एक मैकेनिक है जो कि नौसड़ में गाड़ियाँ बनाने का कार्य करता था। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये शाम के समय या दिन में ऐसे समय निकलता था जब गाड़ियाँ चुराने का एक मुफीद समय होता था। ये खुद ही गाड़ी चोरी करता था, गाड़ी चोरी करने के बाद में इसे अपने पास ले जाता था। गाड़ियों को ये बेचता नहीं था, गाड़ियों को बेचने के बजाय ये गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उनको बेचता था, क्योंकि गाड़ी बेचने पर इसने बताया कि गाड़ी बेचने पर उसको पकड़े जाने का भय ज़्यादा रहता था, लेकिन गाड़ियों के पार्ट्स बेचने पर वो पकड़े जाने का उससे संकट नहीं रहता था। इसके ऊपर पूर्व के दो मुकदमे हैं, एक मारपीट का और एक चोरी की बरामदगी का मुकदमा पंजीकृत है। इसके पास से जो एक बाइक है वो थाना कैंट से कनेक्टेड है। जो दो बाइक्स और बरामद हुई हैं जिनके कि पहिए नहीं है हमारे पास, उनमें से एक कोतवाली से कनेक्टेड है और दूसरी गाड़ी को भी कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये घटना को कैसे अंजाम देता, अकेले देता था, इसके साथ भी कोई और? ये घटना अकेले में ही अंजाम देता था, क्योंकि ये नशे का आदि भी था। तो इसके द्वारा जो हमारे यहाँ जलकल बिल्डिंग के पास से गाड़ी चोरी की गई है वो भी पहले इसने ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद वहाँ से निकला, गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि लॉक नहीं थी, तो इसके द्वारा उस गाड़ी को वहाँ से चोरी किया, अकेले ही घटना को पारित करता था। सर अब तक कितनी गाड़ियों को चोरी कर रहा है? इसके द्वारा बताया कि बहुत गाड़ियाँ चोरी कर चुका है और पार्ट्स को अलग अलग कर करके वो बेच देता था, क्योंकि अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था इसीलिए वो निर्भय होकर ऐसा कार्य कर रहा था। कहाँ कहाँ बेचता था सर? बेचता नहीं था, ये अपनी दुकान में ही पार्ट्स को चेंज करता था। जैसे किसी गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो गया तो चोरी हुई गाड़ी का पार्ट वो उसमें यूज कर लेता था, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता था।